तो फ्रेंड्स देखिए, बहुत सारे लोग एक कमेंट तो बहुत ज़्यादा ही कर रहा है, तो मैं सोचा कि एक वीडियो बना दूं ताकि सभी के लिए मतलब सही रहे। मैंने तो पर्सनली रिप्लाई करता हूं, सभी को रिप्लाई करता हूं, कमेंट का भी रिप्लाई करता हूं, उसमें कोई मेरा प्रॉब्लम नहीं होता है। लेकिन ये जो सवाल है बहुत सारे लोग कर रहे हैं, तो इसीलिए मैं सोचा कि वीडियो ही बना दूं। तो फ्रेंड्स देखिए, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी मैं इस टाइप का नॉलेजेबल वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो फ्रेंड्स देखिए, ये है आपका पासपोर्ट को लेके, मतलब बहुत सारे लोग नहीं जानता है पासपोर्ट का, मतलब ऐसे छोटा छोटा मतलब क्वेश्चन रहता है तो उनका जवाब आपको कहीं नहीं मिलता है। तो लोग क्या करते हैं, यूट्यूब में ही आता है, तो जिनका पासपोर्ट रिलेटेड वीडियो है तो उसमें जाके ही कमेंट करता है। मतलब जब हम लोग पासपोर्ट को बनाते हैं तो उस टाइम आता है कि हाँ प्रेजेंट एड्रेस में ही आप हो, या आपका करेंट एड्रेस कुछ अलग है, प्रेजेंट एड्रेस कुछ अलग है, तो इस टाइप से आता है। तो फ्रेंड्स देखिए, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपना स्टेट को छोड़ के दूसरे स्टेट में रहते हैं, अगर वो पासपोर्ट को बनाना चाहते हैं, उनका परमानेंट और जो करंट एड्रेस है वो अलग अलग होता है। तो अलग अलग देने से मतलब क्या प्रोसेस होगा, कैसे होगा, होगा या नहीं, मतलब इस टाइप का मतलब उनका क्वेरीज रहता है। तो फ्रेंड्स देखिए, अगर आपका करंट और परमानेंट एड्रेस अलग अलग है तो उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगा। इसमें एक ही मतलब प्रॉब्लम होता है कि जब जो भी आपका करंट एड्रेस रहेगा तो करंट एड्रेस में ही आपका जो पीएसके यानी पासपोर्ट सेवा केंद्र रहता है, तो उसमें जाके आपका जो वेरिफिकेशन होता है वो करवा सकते हो। लेकिन जो पुलिस वेरिफिकेशन जाता है वो आपका परमानेंट एड्रेस में ही जाएगा। तो फ्रेंड्स देखिए, जो पुलिस वेरिफिकेशन होगा वो आपका जो परमानेंट एड्रेस रहता है उसी में ही होता है। तो उस टाइम अगर आप अवेलेबल नहीं रहेंगे तो आपका जो फैमिली मेम्बर्स होगा उससे ही मतलब डिटेल्स वगैरह लेगा, और आपका जो डॉक्यूमेंट्स है, डॉक्यूमेंट्स उनके पास होना चाहिए, डॉक्यूमेंट्स देना होता है, और वो देके फिर एसपी ऑफिस में जाता है। तो एसपी ऑफिस में अगर फैमिली मेंबर्स का कोई जाएगा, आप देखिए अगर होता है, अगर नहीं होता है तो आपको एसपी ऑफिस का वेरिफिकेशन में आना पड़ेगा। तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। और जो पीएसके का काम है वो आप करंट एड्रेस का जो अंडर में जो पीएसके यानी पासपोर्ट सेवा केंद्र रहता है तो उसमें जाके ही आपका पीएसके का काम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होता है। तो यही होता है डिफरेंस करंट एड्रेस अलग और परमानेंट एड्रेस अलग होने से। तो शायद आपको समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ। थैंक यू।